नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं स्वराज 744 XT 5 स्टार ट्रैक्टर पर एक रिव्यू वीडियो लेके आया हूं, तो प्लीज़ वीडियो को एंटर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वराज 744 XT 5 स्टार ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी का ट्रैक्टर है। फ्रंट में ड्यूल लैंप्स मिलेंगे बोनेट के अंदर साइड, और स्वराज की सिंपल सोबर ब्रांडिंग मिलेगी विदाउट कोई क्रोम फिनिश के साथ। अगर ऊंचाई की बात करूँ, ट्रैक्टर की काफ़ी ऊंचाई है, एडजस्टेबल आपको एक्सल मिलेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस ट्रैक्टर का एक्सल अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। स्वराज 744 XT की एकदम सिंपल ब्रांडिंग, मेटेलिक पेंट जो कि ब्लू कलर के आपको देखने को मिलेगा, सिंगल कलर मिलेगा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको। 5 स्टार ब्रांडिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्टर। रिवर्स PTO का इस ट्रैक्टर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर की टायर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट टायर का साइज जो मिलेगा वो 6/16 और 7/50/16 का आपको इस ट्रैक्टर में फ्रंट टायर का साइज में ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 6/16 का भी और 7/50/16 का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार ट्रैक्टर का सिलेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स PTO का भी ट्रैक्टर में आपको ऑप्शन मिलेगा। स्वराज 744 XT की सिंपल सी आपको ब्रांडिंग मिलेगी विदाउट कोई क्रोम फिनिश के साथ, और 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी का ट्रैक्टर है ये, आपको देखने को मिलेगा 3 सिलेंडर पावर के साथ जो कि बोसिच कंपनी का इनलाइन पंप आपको देखने को मिलेगा। 3478 सीसी पावर है इस ट्रैक्टर में और 2000 इंजन रेटेड RPM और ड्यूल डीजल फिल्टर मिलेंगे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पोर्शन के साथ, और वाटर सेपरेटर मिलेगा। गलती से डीजल टैंक में पानी चला जाए तो पानी अपने आप सेपरेट हो जाएगा। और 5 स्टार की ब्रांडिंग, सिंस 1974 की भी ब्रांडिंग जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी। वाटर कूल्ड इसमें आपको कूलिंग सिस्टम मिलेगा, वेट टाइप का इसमें एयर फिल्टर मिलेगा। और PTO हॉर्स पावर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 44 हॉर्स पावर की PTO हॉर्स पावर मिलेगी। फ्यूल पंप की बात करें तो इनलाइन टाइप का इस ट्रैक्टर में आपको फ्यूल पंप देखने को मिलेगा। बोसिच कंपनी का इनलाइन पंप आपको 3 सिलेंडर पावर के साथ। और इस ट्रैक्टर में आपको ब्रेक की बात बताएं तो इस ट्रैक्टर में आपको ब्रेक मल्टी प्लेट ऑयल इमर्स ब्रेक देखने को मिलेंगे। और ट्रांसमिशन की बात और प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सेंटर शिफ्ट गेयरबॉक्स मिलेगा, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलेंगे। सेंटर शिफ्ट गेयरबॉक्स मिलेगा फिर भी इस ट्रैक्टर का कंफर्टेबल है, प्लेटफॉर्म ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं है, प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल है, ड्राइविंग व्यू भी काफ़ी अच्छा है। छोटा सा स्टेयरिंग है, प्यारा स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग पर ही आपको हॉर्न देखने को मिलेगा। अब ट्रांसमिशन की बात करें ट्रैक्टर में आपको कॉन्स्टेंट मैश एंड स्लाइडिंग मैश गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। क्लच टाइप की बात करें ड्यूल और सिंगल क्लच का आपको ऑप्शन रहेगा। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। डिजिटल टाइप का आपको जो इसका मीटर मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, एनालॉग टाइप का मीटर मिल रहा है ट्रैक्टर में। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर आपको ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। ब्रेक की मैंने आपको बताया था मल्टी प्लेट ऑयल इमर्स ब्रेक देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर में। आपको रिवर्स PTO का ऑप्शन रहेगा और RPM की बात करें 540 चक्कर जनरेट करेगा। ट्रैक्टर में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी और कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है, कोई कंजेस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे ट्रैक्टर को बस इस ट्रैक्टर में आपको एनालॉग टाइप का मीटर मिल रहा है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, डिजिटल टाइप का मीटर देना चाहिए था। यहाँ पे ड्राफ्ट पोजीशन के आपको लीवर मिल जाएंगे। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलेगी आपको एक अच्छी बैटरी प्रोटेक्शन के साथ, आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो भी आप ट्रैक्टर चलाएं तो आपको ज़रूर एक बार पढ़ने चाहिए। और ट्रैक्टर में हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर में कि ट्रैक्टर का वज़न कितना है, ट्रैक्टर का कुल वज़न कितना है। और यहाँ पे इस साइड आपको PTO का आपको हॉर्स पावर मिलेगा जो कि 44 हॉर्स पावर के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको SFC प्लेट भी दिख जाएगी जिसमें आपको मॉडल नंबर, चेसी नंबर सब कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। मैक्स PTO पावर SFC किलोवाट के साथ 257 सब कुछ आपको इसमें आपको मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के कुल वज़न की, 2070 kg का ट्रैक्टर का कुल वज़न है। व्हील बेस की बात करें 2096 mm का व्हील बेस मिलेगा। लंबाई की बात करें 3342 mm की लंबाई मिलेगी और चौड़ाई ट्रैक्टर में 1945 mm की। एक एडजस्टेबल कंफर्टेबल सीट है, आप अपनी सुविधा के अनुसार से सीट को कंफर्टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। 14 और 28 का पीछे वाला टायर का साइज मिलेगा। और इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक की कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको हाइड्रोलिक कैपेसिटी भी काफ़ी मिलने वाली है। पीछे आपको सिंपल इंडिकेटर मिलेगा, रोड मिलेगी जिससे ट्रैक्टर का वाइब्रेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, रिफ्लेक्टर मिलेगा, बोतल होल्डर मिलेगा आपको, और प्लास्टिक का टूल बॉक्स भी मिलेगा। 3 सेंसिंग पावर मिलेगी, आप अपने इंप्लीमेंट अपने खेत के मिट्टी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि आजकल जैसे एडवांस टाइप के इंप्लीमेंट आ रहे हैं, कंप्यूटर करावा, हैरो और लेज़र और हैरो और मिनी JCP आप सब लगा सकते हैं इस ट्रैक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी आपको पीछे मिलेगा। 1700 kg इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी जो कि काफ़ी है। 1700 से लेकर 2000 kg तक कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैक्टर को। ADDC टाइप का हाइड्रोलिक है इस ट्रैक्टर में। आप ट्रैक्टर में खास बात बताएं तो इस ट्रैक्टर में आपको 2000 और 2 साल की गारंटी मिलेगी। और प्राइस की बात करें, ये मैं प्राइस हर ज़िले के हिसाब से कन्फर्म नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे पीछे छोटी लाइट मिलेगी, हर ज़िले के हिसाब से प्राइस अलग रहता है टैक्स के चक्कर में। 6,98,000 से लेकर 7,50,000 तक ये प्राइस इसका ट्रैक्टर का रहने वाला है। और यहाँ पे आपको स्वराज में साइड का बैटरी बॉक्स मिलेगा, स्वराज का बैटरी में, जिससे अच्छी बैटरी प्रोटेक्शन रहेगी, चोरी होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। साइड लुक भी ट्रैक्टर का काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक बार मैं ट्रैक्टर का फिर से एक मिनी रिव्यू कर देता हूँ।
50 हॉर्सपावर की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, आपको 3 सिलेंडर पावर मिलेगी, 3478 सीसी पावर है और 2000 इंजन रेटेड आरपीएम है। वाटर कोल्ड कूलिंग टाइप है, एयर फिल्टर वेट टाइप का है, 44 हॉर्सपावर की पीटी हॉर्सपावर है, इनलाइन टाइप का है। इसमें आपको फ्यूल पंप देखने को मिलेगा और इस ट्रैक्टर में आपको टाइप की कॉन्स्टेंट मैश स्लाइडिंग मैश की आपको टाइप ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। ड्यूल और सिंगल क्लच का ऑप्शन रहेगा। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर ट्रैक्टर में मिलेंगे आपको। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, मल्टी प्लेट ऑयल इमर्स ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।